करीब 3 महीने बाद नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने शहर का औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने नालियों के ऊपर रखे सामान को हटाने के निर्देश देने के साथ ही सड़क पर दुकान सजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सामान भी जब्त किया है। कपड़ा दुकानों से लेकर सब्जी दुकानों का सामान जब्त किया गया है। नगर परिषद की कार्रवाई देखकर कई दुकानदारों ने तुरंत प्रभाव से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। कई दुकानदारों को नगर परिषद के अधिकारियों ने चेतावनी देकर छोड़ा है। आपको बता दें कि अनलॉक 2 में ग्राहकों का रुझान मार्केट की तरफ बढ़ा है। ऐसे में कमाई के चक्कर में कई दुकानदारों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। निर्धारित दायरे के बाहर जाकर दुकानदारों ने अपना सामान रखना शुरू कर दिया। नगर परिषद को इस संदर्भ में लगातार शिकायतें मिलना शुरू हो गई। अतिक्रमण के कारण सड़क मार्ग सिकुड़ता जा रहा था। सड़क मार्ग के सिकुड़ने से यहां आने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा में दिक्कत हो रही थी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद KL ठाकुर ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों का सामान जब्त किया गया है तथा अन्य दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। हम सामान उठा रहे हैं शहर से। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान का सामान सड़क या नाली के ऊपर रखा है और जो आने जाने वाले लोगों को या ट्रैफिक को बाधा निर्माणित कर रहा है उसको हम हटा रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने अपने स्तर पर ही सामान पीछे हटा लिया है, उठा लिया है। और कुछ एक दुकानदार जिनको हमने नोटिस भी दिया, मौखिक तौर पर भी बोला, पर उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की और उनका हमने सामान जो है वो उठवा दिया है। 6-7 दुकानदारों का हमने सामान जब्त किया है। तो अगर कोई दुकानदार सड़क या नाली के ऊपर सामान रखता है तो हम उनका सामान भी इस तरह ही उठाएंगे। सर, कितना सामान जब्त कर लिया है अभी? हमने 6-7 दुकानदारों का सामान जो है वो जब्त कर लिया है।